दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि किस तरह बॉलीवुड मूवी ने मचा दिया है धमाका और गदर 2 के सक्सेस ने एक नई उम्मीद जगा दी है बॉलीवुड में। भाई गदर 2 की सुनामी ने जो कलेक्शन किया है वो धुआंधार है। ये ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। ऑलरेडी 17 दिनों में 456.5 करोड़ रुपये का अभी तक का कलेक्शन कर लिया इसने, जो कि बहुत ही कमाल है। थर्ड वीकेंड में भी इसने जो परफॉर्मेंस दिया है वो काबिले तारीफ। थर्ड वीकेंड का इसका कलेक्शन है 36.95 करोड़। भाई जिस तरह परफॉर्मेंस ये दे रही है, देखो थर्ड संडे का जो कलेक्शन था वो न्यू ड्रीम गर्ल 2 से भी ज़्यादा है। भाई क्या कलेक्शन दे रही है, रुकने का नाम नहीं ले। लोगों का जो प्यार इस मूवी को मिला है ये लग रहा है कि 500 करोड़ तो पार करा ही देगी और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये पठान को भी चैलेंज कर सकती है ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी बनने में। ये तो वक्त ही बताएगा, पर जो परफॉर्मेंस ने दिया है उसके लिए हैट्स ऑफ। बात करें ड्रीम गर्ल पार्ट 2 के बारे में तो इसने भी अच्छा ओपनिंग लिया है। पहले वीकेंड में इसने कमाए 40.71 करोड़ रुपए, जो कि अच्छा टोटल है। बात करें OMG पार्ट 2 के बारे में जो गदर के सामने रिलीज़ हुई थी, भाई इतने बड़े आंधी के सामने भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 135.92 करोड़ रुपये का कलेक्शन इसने किया है 17 दिनों में, जो अच्छा टोटल माना जा रहा है और ये कुछ ही दिनों में 150 करोड़ के भी आंकड़े को जरूर पार कर लेगी। वहीं कुछ हफ्तों पहले रिलीज़ हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसने धीरे धीरे 150 करोड़ के आंकड़े को टच करने ही वाली है। सिर्फ 25 लाख रुपए दूर है ये 150 करोड़ के आंकड़े को पार करने में। अभी तक इसके 149.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन इसका हुआ है, जो कि अच्छा टोटल माना जा रहा है। देखिए जिस तरह का परफॉर्मेंस इसने डोमेस्टिक में दिया है उससे कई गुना अच्छा इसने इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस दिया है। इंटरनेशनल में इसने कमाए $19.2 मिलियन, यदि इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 158 करोड़। और यदि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने कमा लिए 335 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो देखिए बॉलीवुड के लिए एक अच्छा संकेत है कि जिस तरह के एक के बाद एक मूवीज़ का परफॉर्मेंस आ रहा है वो काबिले तारीफ है। और 7 तारीख को लोगों की निगाहें टिकी हुई है जवान के ऊपर। जो सक्सेस शाहरुख खान ने पठान के साथ दिया था, क्या वही रिपीट होगा और ये बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देगी, ये तो 7 तारीख को ही पता चलेगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।